इस ताजमहल के जो पत्थर हैं वो आप देख सकते हैं, इसके अवशेष आपको यहाँ पर आज भी मिल जाएंगे। देखिए पूरा का पूरा पिलर यहाँ पर पड़ा हुआ है और हिलने को तैयार नहीं है, काफ़ी बड़ा ये पिलर है। ये कुछ इसका मटेरियल, यहाँ मटेरियल पड़ा हुआ है, यहाँ मटेरियल पड़ा हुआ है। अगर काला ताजमहल बन जाता तो काला ताजमहल आगरा के ताजमहल से कई गुना खूबसूरत होता। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। जैसे कि मैंने कहा था, मैं हूँ इस वक्त आगरा के अंदर और आगरा के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। कह सकते हैं मुग़लों का बहुत ज़्यादा इसके यहाँ से बहुत मोहब्बत थी आगरा से, क्योंकि आगरा के अंदर जितने भी फोर्ट, जितने भी किले बने हैं, सब मुग़लों के द्वारा बनाए गए हैं। तो मैं आगरा के अंदर हूँ और आगरा के अंदर अब आया हूँ मेहताब बाग के अंदर। मेहताब बाग वो जगह है जहाँ पर काला ताजमहल बनाया जा रहा था शाहजहाँ के द्वारा। और काला ताजमहल, आगरा का जो ताजमहल है उससे बेहद खूबसूरत, आगरा का ताजमहल तो वाइट है लेकिन उससे बेहद खूबसूरत ये काला ताजमहल बनाया जा रहा था। काला ताजमहल की हाइलाइट्स क्या हैं वो मैं आपको अंदर पहुँच कर बताऊँगा। सबसे पहले मैं हूँ मेन एंट्री गेट पर, और मेन एंट्री गेट से अभी सीधा रास्ता जाता है उस जगह पर जहाँ पर काला ताजमहल बनने वाला था। तो सामने आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर एक पैड सा बना हुआ है, तो वहाँ से हमें जाना पड़ेगा राइट हैंड पर, और राइट हैंड से फिर मैं आपको दिखाऊँगा काला ताजमहल का फाउंडेशन, जहाँ पर ताजमहल का निर्माण शुरू हो चुका था। इवन निर्माण शुरू हो चुका था लेकिन औरंगजेब ने वो निर्माण रुकवा दिया। मेहताब बाग को चांदनी बाग भी कहा जाता है। ये पूरी चारों तरफ आप देख सकते हैं पूरा गार्डन का गार्डन, जहाँ पर आकर के आप पिकनिक बना सकते हैं, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इवन कपल्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। चारों तरफ ग्रीनरी है और बहुत ज़्यादा हरियाली है, चारों तरफ देखिए बाग बनाए गए हैं। एक्चुअल में बाग जो कहा जाता है, हमारे तुम्हारे आज के ज़माने में हम सोचते हैं बाग किसी फल फ्रूट्स के बाग को बाग कहा जाता है, लेकिन उस टाइम पर या आज भी किताबों में गार्डन को बाग कहा जाता है। और ये पूरा बाग कहलाता है चांदनी बाग, जिसे आप मेहताब बाग भी कह सकते हैं। और ये पूरा चारों तरफ मुग़लों के टाइम में ये पूरा बाग कहलाता था, जो कि कई तरह के फ्रूट्स वगैरह और कई तरह के यहाँ पर बहुत सारी उत्पत्ति की जाती थी। तो ये जगह वो है जहाँ पर फाउंटेन बनाया गया था, जिस तरह से आपने कई जगह फोर्ट में देखा होगा ये फाउंटेन बनाया गया है। ये देखिए अभी इसके अंदर पानी नहीं है, और अभी ये सीधा रास्ता जा रहा है उस जगह पर जहाँ पर वो काला ताजमहल बनने वाला था। तो मैं आपको सीधा उस जगह पर लेकर चलता हूँ। इस ताजमहल के निर्माण कार्य के बिल्कुल नज़दीक एक कुआं भी है जो कि बेहद गहरा है। आप देख सकते हैं कुएं का निर्माण भी उस समय पर किया गया था, जो कि आज भी इसके अंदर पानी मौजूद है, क्योंकि यमुना नदी बिल्कुल पास में है और पास में होने की वजह से उस वक्त पानी की कमी नहीं थी। लेकिन डायरेक्ट नदी से ना निकाल करके उस वक्त कुआं बनाया गया ताकि किसी भी तरह की पानी की ज़रूरत हो सके तो कुएं से पानी का कार्य पूरा किया जा सके। इस वक्त टाइम है सुबह का 10 बजे के आसपास, और यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ यहाँ पर, और मेरे साथ जो आया है मेरा दोस्त तहसीम, ये आगे आगे जा रहा है। हेलो तहसीम भाई, इसने मेरे साथ बहुत घूमा है, बहुत मदद की है, क्योंकि कैमरा पकड़ना। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यार, यहाँ पर ना कहीं भी ट्राइपॉड लेना अलाउड नहीं होता, तो खुद से हाथ से ही कैमरा पकड़ना पड़ता है। तो फिलहाल बिना ट्राइपॉड के मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए, अब हम फाइनली उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर काले ताजमहल का निर्माण पूरा हो चुका था। देखिए ये पूरा फाउंडेशन ब्लैक ताज का, और इसको चांदनी बाग भी कहते हैं। इसके ठीक सामने आपको दिख रहा होगा ताजमहल, और ताजमहल इसके बिल्कुल ठीक सामने, ये ताजमहल का बैक साइड का एरिया है, इसके ठीक सामने इसका निर्माण हो रहा था काला ताजमहल का। इसका पूरा फाउंडेशन देखिए आप, फाउंडेशन बनाया गया है, ये रस्सी लगाई गई है, रस्सी के अंदर जाना अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है। सामने गार्ड बैठे हैं, देखिए अगर यहाँ पर हम जाएंगे तो गार्ड सर हमको रोक सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा ब्लैक ताज बनने जा रहा था, जो कि कहते हैं आगरा के किले से, जो आगरा का ताजमहल जो उसके सामने है, उस ताजमहल से बेहद खूबसूरत ये बनकर तैयार होता। लेकिन बीच में ही इसका काम रुक गया, क्योंकि शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल तो बना दिया, उसने सोचा मेरे मरने के बाद भी मैं अपना एक मकबरा बनाऊं, जो कि उसके बिल्कुल ठीक बाजू में, यानी कि उसके बिल्कुल ठीक सामने होगा, और दोनों के बीच की दूरियाँ सिर्फ रिवर, जो जमुना रिवर है उसकी रिवर होगी। तो उन्होंने सोचा मैं अपने लिए भी यहाँ पर काला ताजमहल बनवाऊँ, ताकि मैं उसके बराबर में रह सकूँ। लेकिन ताजमहल बनने क्यों रुक गया, उस वक्त औरंगज़ेब ने
उसको कैदी कर लिया। कैदी करने का रीज़न ये था कि उसने सोचा मेरा जो बापू है, मेरे जो पिता है, पैसे उड़ाया जा रहा है, अगर इस तरह से पैसे उड़ाएगा तो सारा पैसा खर्च हो जाएगा, हमारा खजाना खाली हो जाएगा। तो औरंगजेब ने क्या करा, अपने पिता यानी कि शाहजहाँ को कैद कर लिया। कैद करके अपने किले, जो अकबर के किला है लाल किले के अंदर, उसने वहाँ पर बंदी बनाकर रखा 12 वर्षों तक। तो उस वजह से इसका निर्माण रुक गया, और जो निर्माण यहाँ पे बना चुका था, जितना भी पूरा हो चुका था, उसको तहस नहस कर दिया। इस ताजमहल के जो पत्थर हैं वो आप देख सकते हैं, इसके अवशेष आपको यहाँ पर आज भी मिल जाएंगे। देखिए पूरा का पूरा पिलर यहाँ पर पड़ा हुआ है और हिलने को तैयार नहीं है, काफ़ी बड़ा ये पिलर है। ये कुछ इसका मटेरियल, यहाँ मटेरियल पड़ा हुआ है, यहाँ मटेरियल पड़ा हुआ है, और चारों तरफ आप देखेंगे तो बेशकीमती पत्थर, लाल बलुआ पत्थर आपको सामने दिख जाएंगे पड़े हुए। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी, पूरा काम जारी था, और आप देख सकते हैं हर जगह पर इसके बेशकीमती पत्थर तराश करके, बाकायदा तराश करके, और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है उर्दू के अंदर, समझ में नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इसके जो उर्दू के वर्ड हैं वो मिट चुके हैं। तराश करके पत्थर यहाँ पर गिर चुके हैं, और ये सब डेमोलाइज किया गया था औरंगज़ेब के द्वारा। खड़ा हूँ इस ताजमहल के, काले ताजमहल के निर्माण के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पर, और इसके बिल्कुल ठीक सामने आपको दिख रहा होगा आगरा का सफ़ेद ताजमहल, जहाँ पर मुमताज़ की और शाहजहाँ की कब्र बनाई गई है, ठीक है। और ये जो बनाया जा रहा था उसको देख करके हूबहू बिल्कुल सेम टू सेम काला ताजमहल बनाया जाता, बेशकीमती पत्थरों के साथ में इसको बनाया जाता। आमतौर पर मैं आपको बता दूँ, अंदर ताजमहल के अंदर किसी भी तरह की कैमरा विजुअलिटी या किसी भी तरह की फ़िल्म की शूटिंग करना अलाउड नहीं है। जब भी कोई यहाँ पर फिल्म की शूटिंग होती है ताजमहल की, तो इस जगह से खड़े होकर के ताजमहल का विजुअल लिया जाता है। आपको दृश्य ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे ताजमहल के अंदर शूटिंग चल रही है, तो अंदर जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ से बहुत सारे नाटक एपिसोड या फिल्म बन चुकी हैं, जहाँ से ऐसा दिखाया जाता है कि बिल्कुल ताजमहल के अंदर वीडियो बनाई जा रही है, ताजमहल के अंदर शूटिंग हो रही है। तो जितने भी फोटोग्राफर्स होते हैं, जितने भी मीडिया कर्मी होते हैं, वो यहाँ पर ही आकर के अपनी वीडियोज़ को शूट करते हैं। इस तरह से विजुअल आपको लगता है जैसे ताजमहल के अंदर ये पूरा शूट किया जा रहा है। ताजमहल की दूरियाँ सिर्फ इसके रिवर है, और रिवर नहीं होता तो हम यहाँ से पैदल वॉक डिस्टेंस कर सकते थे, वॉकिंग के द्वारा हम जा सकते थे। बादशाह शाहजहाँ ने जब काला ताजमहल का निर्माण करना शुरू किया, तो उसने बहुत दूर दूर से कारीगर मंगवाए थे, ईरान से, अफगानिस्तान से, और न जाने कई तरह के देशों से कारीगर मंगाए थे इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और जो उसकी निर्माण सामग्री थी, जैसे इसके ऊपर पत्थर लगना, इसकी फुवारी वगैरह बनाना, या इसका पूरा कंप्लीट तौर पर बनाना, वो सब पत्थर भारत के अंदर आ चुके थे काला ताजमहल का निर्माण पूरा करने के लिए। बहुत महंगे और बहुत ही कीमती पत्थर, जैसे रशिया से, चाइना से, जापान से, तुर्क से, इस तरह के पत्थर मंगाए गए थे काला ताजमहल बनाने के लिए। अगर काला ताजमहल बन जाता तो काला ताजमहल आगरा के ताजमहल से कई गुना खूबसूरत होता। तो औरंगज़ेब ने इसका निर्माण रुकवा दिया, क्योंकि अगर वो इसका निर्माण पूरा करवाता शाहजहाँ, तो पूरा का पूरा खजाना खाली होने का अंदेशा था। इसी वजह से औरंगज़ेब ने अपने पिता को कैदी बना लिया, और कैदी बना करके आगरा फोर्ट के अंदर वहाँ पर 12 वर्षों तक रखा। फाइनली 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में उसकी कब्र ताजमहल के अंदर मुमताज़ की, उनकी बेगम की जस्ट बराबर में, वहाँ पर ही इसकी कब्र बन चुकी है। लेकिन जो उसकी ओरिजिनल कब्र है, वो ताजमहल के नीचे बेसमेंट में ओरिजिनल कब्र आपको दिखेगी। ओरिजिनल कब्र देखने के लिए आपको साल में सिर्फ 3 दिन वो खुलती है, जब यहाँ पर ताज का उर्स लगता है, उस वक्त यहाँ पर खास मेहमान लोगों के लिए वहाँ पर जाने की परमिशन होती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह की और वीडियो लेकर आऊँ, और यदि आपने मेरी आगरा की और नई वीडियो नहीं देखी है, तो जाकर के ऊपर लिंक चल रहा होगा, या एंड स्क्रीन पर जाकर के आप मेरा वहाँ पर क्लिक करके मेरा और वीडियो वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।